नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। मामला जनपद एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक मंचले ने घर में जबरन कर घुस किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर दी। युवती के चीखने चिल्लाने पर परिजन नींद से जाग गए और नन्हे को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर कोतवाली अलीगंज में मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि किशोरी अपने ही घर में रात के वक्त सो रही थी, तभी आरोपी घर में घुस आया और रजाई में घुसकर छेड़छाड़ करने लगा। युवती को जब छेड़छाड़ का एहसास हुआ तो वह चीखने चिल्लाने लगी और परिजनों के जागने पर आरोपी गाली गलौज कर धमकाते हुए मौके से भागने लगा। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के कब्जे में दे दिया। वहीं एटा पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। नाम क्या है? सुदेश कुमार। सुदेश, आप अलीगंज थाने में आए हो, किस लिए आए हो? ये जो आदमी पकड़ा गया है। कौन पकड़ा गया? नन्ने सनप कुमारपाल सिंह। ये घर में घुसा, घर में बहन और बहू से बदतमीजी की इसने, इसलिए इसे पकड़ के 100 नंबर वाली पुलिस के हवाले किया। क्या बजे घटना आई? ये घटना है 2:04। और कोई आरोप है? पहले भी कभी ऐसी घटना हुई है? हाँ, ये पहले भी घर में 2 बार घुसा और यही बदतमीजी की। उनकी माँ को, जो लड़के की माँ है, उनका आरोप है कि आपकी जो सिस्टर थी वो फोन करके बुलाती थी। नहीं, उसके पास कोई फोन ही नहीं है। हम तीन भाई हैं, तीनों भाइयों के पास मोबाइल रहता है, उसके पास कोई मोबाइल नहीं। पुलिस क्या कहना है? पुलिस कहना क्या है, वो मामले इस मामले में छानबीन कर रही है।